जोरदार तालियां बजाइए, मेरी फिल्म का गाना है। यू नो, पहले इस फिल्म में ये गाना मैं करने वाली थी, लेकिन क्या करें, हम इंडियंस हैं, हमारा फर्ज बनता है कि फिरंगियों को भी काम दे, इसीलिए ये गाना क्लॉडिया को दे दिया हमने। देखा, जिसको फिल्म देनी होती है ना, वो दे ही देता है। ऐसे टीवी में बैठ के नहीं कहता, कपिल मारा बाय, मैं तुम्हारी फिल्म दूंगा, मेरी फिल्म करोगे? हिमेश जी, थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपनी फिल्म में काम दिया। यू नो, फिल्म में सिर्फ मैं 4-5 सीन में ही हूँ, तो फिल्म देखो कितनी बड़ी सुपर हिट होगी। कहीं फिल्म में मैं पूरी होती तो थिएटर का पर्दा ही फट जाता। ओह गॉड। लेकिन इन्होंने मुझसे वादा कर लिया है कि भारती, तेरे को खिलाड़ी 786 का पार्ट 2 भी तेरे को ही देना है। ओ, ऐसे क्या देख रही टांगे निकाल के? ऐसे फिल्में नहीं देते बेटा वो। प्रोड्यूसर के साथ एक रिलेशन मेंटेन करना पड़ता है। अरे याद आया सर, लास्ट टाइम आप रिलेशन मेंटेन करते वक्त ये छोड़ गए थे। और कुछ और भी चीजें हैं। देखा सर, खिलाड़ी और फिर बाद में मड आइलैंड झाड़ी। और ये तो आप भूल ही नहीं सकते, ये जूता, जिस दिन आपने मुझे मड आइलैंड झूठ बोल के बुला लिया था कि खिलाड़ी का शूट है, शूट था ही नहीं, रिहर्सल करके भिजवा दिया। What are you laughing at? You people are slaves yourselves of this show called Comedy Circus. Yes. At least I pay this man. You people don't even get paid. This is ridiculous. Hey, tum zaban ladate ho humse? Main zaban ladega. Kyunki ye mera gaon hai ani miya gaata bhungam. Zaban samal ke baat kar. Warna hum tujhse char guna lagan wazool karega. Dekho, tumhara ganit kaccha hai, do guna wazool wat rehte ho. तो हमारा साइज भी तो देखो। नहीं साहिब, इस बार तो बरसात भी नहीं हुआ, हम कहां से 4 गुना लगान देंगे साहिब? तो तुम कोई दूसरा काम क्यों नहीं करते हो? दूसरा कौन सा काम? मेरे पास एक आईडिया है, बताता हूँ, बैठो बैठो। क्या है? हम तुम दोनों को मेंबर बनाएगा, उसके नीचे तुम जो जो और मेंबर बनाओ, उसके बाद वो जो जो मेंबर के नीचे और जो 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 मेंबर बनाओ, एक के नीचे मेंबर बनाते जाओ, फिर मेंबर का एक एक बड़ा सा ट्री बन जाएगा। जब वो ट्री बन जाएगा तुमको 1,000 रुपीज मिलेगा, उसमें से 500 तुम्हारा और बाकी का 500? 500 का तुम हमको पार्टी भी नहीं देगा। अरे साहब, इधर गांव में मेंबर बनाने की वाली बात मत बोलो, इधर तो गांव के 2 मेंबर अगर जम के मिल जाए ना तो पूरा ट्री बना देते हैं। और मेरे को ये काम नहीं करने का है। ठीक है, अगर तुमको ये काम नहीं करना है तो तुमको हमारे साथ एक खेल खेलना पड़ेगा, क्रेज कैच। हाँ चलो खेलते, मैं जा रहा हूँ क्रिकेट की प्रैक्टिस के लिए। ऑलराइट, आई विल सी यू इन द इवनिंग, आई विश यू एंड योर टीम द वेरी बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। तेरी माँ होगी साले। काहे गाली निकाला तो हाँ? What kind of people are you? Ow, Himesh Rajamia. आपको नहीं लगता कि आप अपना फिल्म रेडियो को प्रमोट करने के लिए थोड़ा लेट हो गया है? ए मोटू, वो रेडियो के लिए नहीं आए, अपनी खिलाड़ी 786 की सक्सेस को सेलिब्रेट करने आए, समझे? जिसमें उन्होंने बहुत ही क्यूट सेक्सी लड़की ली थी, भारती। एक मिनट, वैसे उस फिल्म की हीरोइन आसीन थी, लेकिन हिमेश की आसीन तो मैं ही हूँ ना। जब भी ब्रेक होता था मुझे कहते भारती आ सीन करे। कस्टम वालों ने पकड़ लिया मेरे को। कस्टम वाले ने पकड़ लिया, बोला दाढ़ी में लगेज में डालो। मैं बोला दाढ़ी तो लगेज में डाल दूंगा, लेकिन उनके अंदर 3 बियर की बोतल है, उसको कहाँ छुपाऊंगा? ए हिमेश, हिमेश आ गया। अरे हिमेश, अरे बाबा को दौरा पड़ गया, ए भैया पानी देना, ए बाबा को दौरा पड़ गया। क्या करे, ऐसे करते हैं पिंकू का जुराब सुंगा देते हैं। देखो बेटी, कुछ मसले बातों से सुलझाए जा सकते हैं, उसके लिए बाबा को इतनी बड़ा सजा मत दो। एक मिनट, अगर तुम बाबा है तो मेरे एक सवाल का जवाब दो। पूछो। एक आम की डाली पे 10 केले है, हाँ। उसमें से 7 अमरूद निकाल दिए, हाँ। तो कितने चीकू बचे? 19 हाथी।
तुमको कैसे पता? क्योंकि मैंने भिंडी की सब्जी खाई है। अर्चना जी को समझ में नहीं आया, रोज ब्रश करो नहीं तो पेट्रोल महंगा हो जाएगा। ए, ये तुम तो क्या बकवास कर रहे हो, कोई बात का गलत मलत बोल रहे हो। प्लीज ढंग से बोलो वरना डेंगू वाला मच्छर काटेगा। व्हाट रबिश इज गोइंग ऑन? ऐसे ही वो बोल रहे हैं, व्हाट रबिश गोइंग ऑन। एक मिनट बाबा, तुम हमारे साथ मैच के लिए आया है? हम काला तुम गोरा, कैसे मैच होगा? अरे वो मैच नहीं, क्रिकेट का मैच, क्रिकेट। हाँ क्रिकेट, बाबा को क्रिकेट आता है, बाबा हर जगह क्रिकेट खेलता है, बाबा तो बारिश में भी क्रिकेट खेलता है। बड़े बोल दो, ये बैठ लो। येलो बॉल। ए बच्चा, 21 साल से बाबा का कोई औरत के साथ संपर्क नहीं आया है, लेकिन आज लगता है हो जाएगा। क्या? बम चिक चिक बम, बम 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 चिक चिक बम। बाबा ऐसा बातें मत करो बाबा, हमको हमारा देश का याद आ जाता है। तुम्हारा लोग कितना सिंपल है, कितना अच्छा है, हमारा देश बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेशन म्हणजे? बाबा हमने उधर एक विधवा से शादी किया, फिर बाबा उस विधवा का एक जवान बेटी था, उसने हमारा बाप से शादी कर लिया, तो हमारा बाप हमारा ही दामाद बन गया। उसके बाद उनका बेटी हुआ जो टेक्निकली हमारा बहन होना चाहिए था, लेकिन वो हमारा नवासी हो गया। हमारा बेटा अपनी दादी का भाई हो गया, उस लड़की का मामा हमारा भतीजा हो गया। बस कर बेटा, साले बस कर साले। अरे साले के बारे में तो सुनो, उसका जो साला था वो हमारा भांजा हो गया, हमारा भतीजा उसका चाचा हो गया, सब ये बन गया वो बन गया, और हम तो इस देश में बस बन के रह गया। लेकिन इधर आके नहीं बनोगे, क्योंकि हमारे कॉमेडी सर्कस का रूल है कि अतिथि देवो भव, इसलिए तुम्हें अच्छे नंबर देंगे और खुश होके 10-10 नंबर लेके अपने देश जाना, समझा क्या? ए बाबा ये ले पिंकू का जुराब। ना!